हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो गाइस। यस, थंबनेल से आप लोगों को पता लग गया होगा कि कौन सी गाड़ी आज मैं करने वाला हूँ अपनी वीडियो में। बट स्टिल गाइस, इट्स अ वेरी स्पेशल कार और बहुत लोग होते हैं मतलब जो कि नहीं ले पाते टॉप मॉडल और स्टिल उनकी इच्छा होती है कि हमें सारे फीचर्स चाहिए अपनी गाड़ी में। तो जो गाड़ी मैं आज आपको आज दिखाने वाला हूँ उसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर्ड है। सो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। First of all, I'll be starting from the outside of the vehicle. As you can see, it's a Vitara Brezza. और इसमें जो सबसे पहली चीज़ आप लोग नोटिस करोगे वो है इसकी फ्रंट हेडलाइट्स। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो फ्रंट हेडलाइट्स इसकी जो टॉप मॉडल में आपको मिलती हैं वही हैं विद DRLs। मैं आपको अभी ऑन करके भी दिखाऊँगा। सो एक ये लाइट्स इसमें इंस्टॉल करवाई हैं, प्लस जो एक्सटर्नल फीचर इसमें लगवा एक्सटर्नल चीज़ इसमें कराई है कि इसके अलॉय व्हील्स चेंज कर दिए। ठीक है, 16 इंच के अलॉय व्हील्स डाले हैं इसमें, प्लस वूफर डाला है, स्पीकर्स डाले हैं और एक 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम भी अंदर डाला है। तो जैसे कि मेन चीज़ होती है जो बेस और टॉप मॉडल को डिफरेंशिएट करती है वो है ग्रिल और अपनी लाइट्स, फॉग लाइट्स में इसमें इंस्टॉल्ड हैं। तो गाइस, जो मेन चीज़ थी वो थी जो हेडलाइट्स हैं वो पहले ही डलवा ली हैं, तो कहीं से नहीं पता, आप बोल ही नहीं सकते कि ये बेस मॉडल होगा गाड़ी का। प्लस जो आपकी ग्रिल है, ग्रिल भी पहले ही चेंज कर दी थी, बिकॉज बहुत सारी ब्रेजा की ग्रिल्स आ रही हैं मार्केट में, जीप कंपस वाले स्टाइल में भी आ रही हैं, बट यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक ग्रिल लगवाई है ब्लैक कलर की, एज यू कैन सी। सो चलो गाइस, गाड़ी के अंदर चलता हूँ, इसका म्यूजिक सिस्टम आपको सुनाता हूँ जो कि मेन फीचर है इस गाड़ी में। तो चलते हैं, इसको सुनते हैं। गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर और मेरे फ्रेंड ने अभी रिसेंटली इसमें 9 इंच की टच स्क्रीन इंस्टॉल करी है। गाइस समझते हो, 9 इंच, लाइक इट्स ह्यूज। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, लेट्स चेक आउट द टच स्क्रीन ऑफ दिस व्हीकल। ये है इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो 9 इंच का इसमें इंस्टॉल कराया है, ये एक एंड्रॉयड टैबलेट की तरह ही है। तो अगर मैं गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करता हूँ तो सबसे कूल चीज मुझे ये लगी, ये जो गाड़ी है इसकी भी हेडलाइट्स ऑन हो जाती है। सो इट वॉज अ वेरी कूल टच। तो गाइज, अभी इसका फीचर चेक कराता हूँ आपको मैं। यहाँ से मैं ऐप्स पे जाऊंगा, ऐप से मैं यूट्यूब जाऊंगा, यूट्यूब से मैं इसमें NCS का साउंड प्ले करने वाला हूँ ताकि कॉपीराइट ना आए। So, अगर आपको दूसरी साउंड्स चेक करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं जो कि फ्लोट हो रहा होगा यहाँ पे, तो मैं आपको दूसरी ऑडियो भी सुनाऊंगा। तो अभी मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ NCS। So, गाइस अभी आवाज सुनना गाड़ी की, बिल्कुल गाइज, अभी जो आवाज़ थी वो फुल पे नहीं थी एंड स्टिल बेस काफ़ी अच्छा आ रहा था। इसमें पाइनियर का बूफर है और 2 पाइनियर के 550 वॉट्स के स्पीकर हैं, प्लस 2 कंपोनेंट्स हैं इसमें। सो अभी आपको वूफर दिखाता हूँ और उसके बाद भी यही ऑडियो प्ले करके दिखाऊंगा फुल वॉल्यूम में, लेट्स गो। जैसा कि मैं कह रहा था, अभी आपको वूफर चेक कराऊंगा, तो सॉरी मैंने पाइनियर बोल दिया, इसमें एल्पाइन का वूफर लगा हुआ है। इस पाइनियर के इस पे 550 वॉट्स के 2 स्पीकर लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 550 वॉट्स के 2 स्पीकर हैं और ये हार्ड शेल्फ जो है वुडन की है जो उस पर ये स्पीकर्स लगवाए गए हैं ताकि आवाज़ गफे ना, बिकॉज प्लास्टिक ट्रे पे आवाज़ गफने लगती है। तो अभी है ये अपना वूफर, तो अभी मैं ऑडियो प्ले करवाता हूँ और आप सुनना ऑडियो। यहाँ पे DRLs लगे हुए हैं, अभी ऑन करेंगे तो आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, वाइट DRLs ऑन हो गए बिल्कुल टॉप मॉडल के जैसे, बिकॉज ये टॉप मॉडल के ही लैम्प्स है। 13,000 की कॉस्ट है इसकी और यहाँ पर फॉग लाइट में भी वाइट लाइट इंस्टॉल करी हुई है, प्लस प्रोजेक्टर के अंदर कुछ नहीं छेड़ा है, प्रोजेक्टर के अंदर जो नॉर्मल लाइट आती है वही लाइट है। सो ये तो होगी हमारी लाइट और ये आता है इंडिकेटर आपका एज यूजुअल। है साउंड बैरियर का 4 चैनल एम्प जो इसमें सीट के नीचे इंस्टॉल करवाया हुआ है, ये सारी वायरिंग हो रखी है अगर आप देखना चाहते हैं तो। मोरेल के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं फ्रंट डोर्स में, प्लस ऊपर सेम कंपनी के ट्विटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। इस पाइनियर के पीछे स्पीकर्स का सेटअप मैंने आपको दिखाई दिया था भी कैसा लगा हुआ है,
और जो इसकी की भी है वो भी मॉडिफाई करा रखी है, फ्लिप की बनवा रखी है इसकी, जो कि आती नहीं है कंपनी की तरफ से, तो एक फ्लिप की भी बनवा रखी है इसकी ऑलरेडी। अब आते हैं बैक की तरफ गाइस, तो बैक की तरफ भी गाड़ी की जो लाइट्स है वो हल्की सी स्मोक करा रखी है, जहाँ पे टर्न इंडिकेटर होता है और रिवर्स लाइट होती है उसको हमने स्मोक करा रखा है, काफ़ी सेक्सी लगती है वो भी। तो पीछे से कुछ गाड़ी ऐसी लगती है अगर आप देखना चाहो तो। उसके बाद गाइस आता हूँ इसके व्हील्स के ऊपर, तो व्हील्स जो है गाड़ी के वो काफ़ी सेक्सी लग रहे हैं मुझे, और ये प्रॉपर 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, 21,000 इनकी कॉस्ट है, और जो कंपनी टायर्स आए हैं उसी में इंस्टॉल करवा रखे हैं, कंपनी टायर्स में ही गाड़ी के 16 इंच के व्हील इंस्टॉल करा रखे हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ओवरऑल गाइस गाड़ी को जो ब्लैक मिरर्स हैं, ब्लैक डोर हैंडल्स हैं, तो काफ़ी वाइट एंड ब्लैक लुक बहुत ही अच्छी लग रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी कलर्ड होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, मेरे को ये गाड़ी पर्सनली ब्लैक डोर हैंडल्स, ब्लैक साइड मिरर्स के साथ ज़्यादा सेक्सी लग रही है। मतलब एक काफ़ी ही ओल्ड स्कूल कार लग रही है और काफ़ी ही बैडएस गाड़ी लगती है जब चलती है सड़क पे, और काफ़ी यंगस्टर्स में काफ़ी चर्चा है इस गाड़ी की। ये तो था गाइस इसके टायर्स के बारे में, इसके अंदर जो डिस्प्ले लगा था उसके बारे में, प्लस जो जो करा रखा है। अब मैं आपको एक क्विक रीकैप देता हूँ, उसके बाद इसके प्राइस की बात करेंगे भी, इसमें कितना खर्चा आया, एंड फिर वीडियो को एंड करते हैं। एक और चीज़ इसमें जो लगी हुई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बतानी भूल गया, वो है हॉर्न। तो इसका हॉर्न भी मॉडिफाइड है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। तो सो गाइस दिस इज द हॉर्न, मतलब रूट्स लगे हुए हैं इसमें, तो बिना रूट्स के तो गाड़ी बनती नहीं। सो गाइस गाड़ी में लगा हुआ है 9 इंच का एक टच स्क्रीन पैनल, प्लस इसमें 550 वॉट के दो पाइनियर के स्पीकर लगे हुए हैं, एक अल्पाइन का वूफर लगा हुआ है, साउंड बैरियर का 4 चैनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, प्लस टॉप मॉडल के DRL वाले हेडलाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, प्लस 16 इंचेस अलॉय व्हील्स भी इंस्टॉल्ड हैं, प्लस 2 मोरेल के कॉम्पोनेंट्स, प्लस 2 ट्विटर्स इंस्टॉल्ड हैं। ये गाड़ी बनाने को मतलब ऑलमोस्ट ये टॉप मॉडल ही है अब, बिकॉज और कोई फर्क नहीं होता गाइज, सिर्फ एक क्लाइमेट कंट्रोल रह जाता है जिस चीज़ का फर्क है, और वो यूजुअली ज़्यादा यूज में नहीं आता है। गाइज ओवरऑल इस गाड़ी पे मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो 65,000 का खर्चा आ गया, और ये गाड़ी मतलब गाइज अगर आप बेस मॉडल भी लेते हो और उस पर अगर आप पैसा लगा सकते हो 65,000, तो एक बहुत अच्छी गाड़ी बन सकती है, एंड मतलब रिजल्ट आपके सामने ही है। कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि आपको वूफर कैसा लगा, और कोई भी कंपोनेंट का प्राइस पूछना हो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि मोटा मोटा 65,000 लगा है। तो कुछ भी पूछना हो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या कमेंट में नीचे मैसेज कर देना, सारी चीज़ों के आंसर आपको मिल जाएंगे। या गाइज विद दैट सेट आई एम गोना रैप दिस वीडियो ओवर हियर। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, एंड यस प्लीज गाइज लाइक करा करो वीडियो को, एंड विद दैट सेट क्लिक राइट अवे हियर टू सब्सक्राइब एंड क्लिक राइट अवे हियर टू वॉच माई लास्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम साइनिंग ऑफ, पीस आउट।